हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माही। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो हॉल। इस मीशो हॉल में हम आपके साथ शेयर करेंगे ईद लुक बुक। ईद पे आप कौन से कैसे कुर्ते पहन सकते हो, इवन पहन तो आप कुछ भी सकते हो जो आपको पसंद हो, लेकिन थोड़ी सी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से कि कुछ आप ऐसे कुर्ते भी पहन सकते हो। सबसे पहला जो मैंने अभी पहना हुआ है, ये भी मैंने मीशो से लिया है, 1700 रुपये का आई थिंक ये मुझे मिला है, जो कि पाकिस्तानी कुर्ता सेट है। ये मुझे रेडीमेड मिला है, बस मैंने अपनी फिटिंग कराई है क्योंकि ये मुझे मीडियम साइज में मिल रहा था, मीडियम से नीचे मिल ही नहीं रहा था। तो मीशो पे ऐसे बहुत सारे कुर्ते हैं, मैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये ईद के लिए बिल्कुल ही बढ़िया है, मैं साइड में पिक्चर भी लगा दूंगी कि ये पहनने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो मैंने इसको 2-3 बार पहन लिया है। एक बार मैं खाटू श्याम गई थी तब भी पहना था, और घर पे भी पहना था, शादी में भी पहना था। मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगा ये कुर्ता। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन हिट कर देना जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिल जाए। और ये जो आप देख रहे हो, ये मैं जल गई थी आज सुबह, मैं आने के लिए कुछ बना रही थी तब जल गई थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो कंप्लीट करती हूँ क्योंकि ईद आने ही वाली है, शायद 12 अप्रैल की है या 13 अप्रैल की, मैंने देखा था इंटरनेट पे। क्योंकि देखो मेरा कोई भी ऐसा फीमेल फ्रेंड नहीं जिससे मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ या वो मुझे अपडेट दे पाए। मेरा एक ही मेल फ्रेंड है बस, मैं उसी के आसपास घिरी रहती हूँ 24 घंटे, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। कोई भी मेल फ्रेंड भी, फीमेल फ्रेंड भी नहीं बना पाती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास सबसे पहला जो मेरा फेवरेट कुर्ता सेट है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, वो है ये चिकनकारी कुर्ता सेट। ये है इसका प्लाजो, प्लाजो हम बाद में देखेंगे। ओह माय गॉड, ये है कुर्ता वाइट कलर का, क्योंकि ईद पे मोस्टली जो बॉयज होते हैं वो तो वाइट कुर्ता ही पहनते हैं, राइट। और ये है इसका अस्तल, तो अस्तल आपको कुर्ते के साथ ही मिलता है मोस्टली, अगर नहीं मिलता है तो वो भी आपको 100 या 125 का मीशो पे ही मिल जाएगा, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये भी मुझे फ्री साइज ही मिला है, कुर्ता भी मुझे फ्री साइज मिला था, लेकिन अगर आपको साइज मीशो में मिल जाए तो आप अपने साइज का लेना, क्योंकि फिर अल्टर कराना पड़ेगा थोड़ा सा। बट एक बात बताऊँ, क्योंकि जो कुर्ता होते हैं ना, मेरे को लगता है कि ये लूज ही पहननी चाहिए। जो सूट होते हैं, सूट जो हम टेलर से बनवाते हैं, उनको आप फिटिंग पहनो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन जो इस तरीके के होते हैं, चिकनकारी कुर्ता हुआ, ये पाकिस्तानी सूट हुआ, ऐसे सूट जो है वो हमेशा लूज फिटेड ही अच्छे लगते हैं, उनमें एक अलग सा ही एटीट्यूड आता है। अगर आपने ओवरसाइज कपड़े नहीं पहने हैं तो एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद ज्वेलरी आप पहन लो और अपने हेयर को एकदम से फ्लैट कर लो, जो आपका प्रोफेशनलिटी है वो हेयर में, ज्वेलरी में, मेकअप में नज़र आ जाएगी, आपकी हील्स में नज़र आ जाएगी, लेकिन जो कपड़े होंगे वो लूज होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस तो मेकअप, हेयर, ज्वेलरी से ही आ जाएगा। तो ये है हमारा पहला कुर्ता। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो लेंथ तो हमेशा कुर्तों की ज़्यादा ही पहननी चाहिए, वो ऊँचे ऊँचे अच्छे कपड़े मेरे को भी पसंद नहीं है। इसकी फुल स्लीव्स है, ठीक है, अस्तल पहन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिना अस्तल के चल ही नहीं सकता है काम। साइड में मैं लगा दूंगी कैसे मैंने इसको ट्राई किया है। तो यहाँ आप देख रहे हो, ये मैंने फिटिंग करा लिया था क्योंकि अस्तल कुछ ज़्यादा ही लूज हो रहा था। अस्तल तो फिटिंग ही अच्छा लगता है, लेकिन जो कुर्ता है वो विदाउट स्टिचिंग के हम पहन, स्टिचिंग विदाउट फिटिंग हम पहन सकते हैं। और ये जो प्लाजो है इस पर पूरे पे ही कढ़ाई हो रखी है, और ऊपर इलास्टिक है, जो कि इजी हो जाता है पहनने में, उतारने में, क्योंकि मेरे को नाड़े वाले नहीं पसंद बिल्कुल भी, सच बताऊँ तो। पर पहले पहनती थी, लेकिन अभी जब से मेरे को समझ आई है कुछ चीज़ों की, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है। तो नीचे जो है, जो डिज़ाइन बनी हुई है, पूरा चिकनकारी वर्क है इस पर पूरे ओवरऑल प्लाजो। आगे है मेरे पास ब्लैक कलर का पठानी कुर्ता सेट। इसका प्लाजो है ब्लैक कलर का, और ऐसे पठानी सूट भी, कुर्ता इस पर दुपट्टा नहीं है, उस पर भी दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा सिर्फ इस पर है। और ये फुल स्लीव्स में है, मतलब हाफ स्लीव्स जो यहाँ तक, अभी ये दिख रहे हो ना आप, यहाँ तक ही आता है ये भी। और इसका जो प्राइस है, आई थिंक इसका प्राइस 800 के समथिंग था कुछ, तो जो भी होगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, स्क्रीन शॉट लगा दूँगी। एंड देन इसमें दोनों तरफ पॉकेट है, पॉकेट भी आपको मिल जाएगी, साइड में मैं लगाई दूंगी मैंने इसको कैसे कैसे पहना है। इसके साथ प्लाजो भी है, अभी प्लाजो मेरे को,
इस पे जो ब्लैक कलर का पठानी कुर्ता सेट है, इस पे कुछ भी ज्वेलरी अगर आप नहीं पहनोगे तो भी चलेगा, बस कान में पहन लेना, हाथ में पहन लेना और अच्छा सा मेकअप कर लेना। लिपस्टिक न्यूड यूज़ करना, रेड यूज़ मत करना। रेड कलर की लिपस्टिक मेरे को लगता है मेरिट पे ज़्यादा अच्छी जाएगी, मेरिट पे नहीं अच्छी जाएगी। और आजकल न्यूड का ही फैशन चल रहा है। तो आगे बढ़ते हुए हम निकालते हैं एक बढ़िया सा कुर्ता आपके लिए। तो ये है मेरा फेवरेट ब्लैक कलर का चिकनकारी कुर्ता। ये भी प्रॉपर नेट का है, इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे कुर्ते मीशो पे भर भर के मिल जाएंगे, 300 350 200 250 में भी मिल जाएंगे अगर आप ढूंढोगे तो। तो मैं कोई बात नहीं, आप मत ढूंढो, मैं मेहनत कर लूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपने बस एक लिंक पर क्लिक करना है, आपके सारे कुर्ते आपके वहाँ मिल जाएंगे, एक ही पेज पर मिल जाएंगे मतलब। तो ये भी कौन से लिफ का है, कितना बोलेंगे, इतना जितना ये है उतना। एंड इसके साथ भी मेरे को एक अस्तल मिला है, बट इसके साथ कोई प्लाजो नहीं है। प्लाजो अगर नहीं है तो फिर भी हम इसको अपने डेनिम के साथ, जींस के साथ और ब्लैक कलर के ट्राउजर के साथ भी पहन सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये नी तक नी से भी नीचे इसकी लेंथ है, तो जो पैंट दिखेगी वो इतनी एक ब्लांद ही दिखेगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको भी मैंने अल्टर करवा लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी भाई अंदर से कुछ लूज वूज दिखे। एंड देन यहाँ पे ये कुर्ता है जो कि मैंने लोकल मार्केट से लिया था, मैं साइड में लगा दूंगी। इसमें दुपट्टा भी है, प्लाजो भी है, कुर्ता भी है। तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, लेकिन मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि एक तो ये हाफ स्लीव्स में है, बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद। और ऐसे कुर्ते मैंने मीशो पे देख लिए थे, तो मैंने सोचा चलो इसकी रिकमेंडेशन देके हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। यू कैन सी, आप देख रहे हो कितना प्यारा कुर्ता है, ठीक है। यहाँ तक वेस्ट तक हमारी टाइट फिटिंग आती है, नीचे से फिर ये अम्ब्रेला फिटिंग आती है, मतलब थोड़ा लूज लूज सा होता है। और ये थोड़ा ऊँचा है, ऊँचा इसलिए है क्योंकि इसके नीचे है गरारा प्लाजो टाइप। ये आप साइड में देख लो, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। तो ऐसा प्लाजो है, ये यहाँ तक नी तक जो है टाइट है, नी के बाद ये खुला है दोनों ही, ठीक है। ऊपर इलास्टिक दी हुई है। तो ऐसे कुर्ते आपको बहुत ही क्यूट दिखाते हैं, और हल्का सा मेकअप हो, ज्वेलरी हो प्यारी सी, कान में गले में मत पहनना क्योंकि गले में ऑलरेडी वर्क है। और दुपट्टे की जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, चौड़ाई लंबाई बहुत ही बढ़िया है इसकी। और जो दुपट्टे पे लगा हुआ है इस तरीके का लेस, अगर आप सर पे भी डालोगे ना तो सर पे भी बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे ये माथे पे आ जाएगा। आज मैं ज़्यादा ही बढ़िया लग रही हूँ क्या? सो दिस इज़ माई ओवरऑल स्मॉल सा हॉल, लेकिन मैंने जो लिंक डाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैंने 10-12 कुर्तों के डाले हैं, जिससे कि आपको इजी हो जाए खरीदने में। लेकिन वो कुर्ते जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिंक में, वो अच्छे होंगे, उनको आप इजीली बाय कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय तो आप कर ही लोगे, पैसे होंगे तो, लेकिन मैं कह रही हूँ ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि उनको मैंने ट्राई कर लिया है। सो दिस इज़ माई ओवरऑल वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए बिग थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, सी यू सून, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।